वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। साल 1967 में पहली बार जसवंत नगर से विधायक बनने के बाद भी मुलायम के लिए राजनीति की राह आसान नहीं थी। उन्हें कई चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ा। मुलायम को पहला चुनाव लड़वाने में उनके राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह की अहम भूमिका थी। नत्थू सिंह उन दिनों जसवंत नगर के विधायक हुआ करते थे। उनकी पहली बार एक कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान मुलायम से मुलाकात हुई थी और वो मुलायम के कायल हो गए थे। अखिलेश यादव की बायोग्राफी विंड्स ऑफ चेंज में वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरॉन लिखती हैं, साल 1962 में मैनपुरी में एक 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 23 साल के नौजवान मुलायम सिंह यादव भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। उसी साल हो रहे विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार नत्थू सिंह भी इस प्रतियोगिता में पहुंचे थे। वो मुलायम सिंह यादव के प्रदर्शन से बेहद प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने जसवंत नगर की सीट अगले विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को दे दी थी। मुलायम ने भी अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह के सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसका उदाहरण एक घटना से मिलता है। मुलायम के भाई राम गोपाल यादव बताते हैं कि एक बार जब सियासी रंजिशन नत्थू सिंह के घर पुलिस का छापा पड़ा तो किसी तरह मुलायम सिंह ने उससे लोहा लिया था। दरअसल नवंबर 1963 में इटावा के एसपी बीपी सिंघल ने नत्थू सिंह को अपराधी घोषित कर दिया और उनके घर छापेमारी की। बीपी सिंघल विश्व हिंदू परिषद के नेता रहे अशोक सिंघल के भाई थे। कहा गया कि सिंघल ने जानबूझकर नत्थू सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला। इस घटना के बाद मुलायम सिंह समेत तमाम समाजवादी नेता खफा हो गए थे। इसके बाद तत्कालीन राज्यसभा सांसद चंद्रशेखर ने इस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। क्षेत्रीय स्तर पर मुलायम के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन आयोजित किया गया। इस आंदोलन में इटावा के तत्कालीन डीएम गुलाम हुसैन भी दहल गए थे। बाद में बीपी सिंघल आईजी बने और उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि नत्थू सिंह की गिरफ्तारी को लेकर की जा रही कार्रवाई के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। रामगोपाल यादव कहते हैं कि यहीं से मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन की अहम शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया से मुलायम की पहली मुलाकात नत्थू सिंह ने ही कराई थी। उस समय कोई नेता नहीं चाहते थे कि मुलायम चुनाव लड़ें क्योंकि उन्हें चुनाव का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन नत्थू सिंह अपनी बात पर अड़े रहे। इस तरह शुरू हुआ था मुलायम का राजनीतिक सफर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही दिलचस्प सियासी कहानियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।